नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपना ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे और हमारा प्रेडिक्शन से फैंटेसी से रोजाना ढेर सारा पैसा बना रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो कि मैच खेला जाएगा CBF T20 लीग की। और अगर आपको आज का इस मैच से भी ढेर सारा पैसा बनाना है तो मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले आपको एक्टिव रहना पड़ेगा हमारा स्मार्ट फैंटेसी टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि आप लोगों को पता है ऐसा T20 मैचेस का आपको लाइनअप एंड टॉस की अपडेट 30 मिनट पहले मिल जाएगा। मतलब हमारा पास हर एक चीज़ को अच्छे से समझने के लिए 30 मिनट टाइम है, जो कि बहुत होता है। उस समय हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे कि स्मॉल लीग के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, जीएल के लिए आपको कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है, मिनी ग्रैंड लीग में आप कौन सा खिलाड़ी को ट्रॉम्पिक बना सकते हैं, सब कुछ मैं एक एक करके अपना टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दूंगा। इसलिए मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले आपको हमारा स्मार्ट फैंटेसी टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना चाहिए। बट अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन नहीं किया तो कैसे यहाँ पर एक्टिव रहोगे? बट कोई बात नहीं, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद सीधा चला जाना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग की लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे सीधा हमारा टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। बस अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया ना मेरे भाई, तो जिंदगी भर आप फायदा उठाओगे इसका, ठीक है ना? और इस मैच से 30 मिनट पहले आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा, तभी जाके आप इस मैच से ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे वेन्यू डिटेल। अभी तक इस ग्राउंड के अगर हम ऑन एंड एवरेज स्कोर देखें तो वो है 129। अब T20 मैचेस में अगर 120-130 स्कोर बन रहा है तो मतलब एक मीडियम स्कोरिंग ग्राउंड आप लोग मान सकते हैं। 150 दोस्तों मीडियम स्कोर मान सकती है, तो एक लो स्कोरिंग ग्राउंड आप लोग मानकर चलिए। फास्ट इनिंग की अगर हम एवरेज स्कोर देखें तो 143 है, जो कि एक मीडियम स्कोरिंग ग्राउंड है। अब जिस ग्राउंड पे मीडियम स्कोरिंग गेम होता है उसके आधार अगर हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो हमें एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मतलब हमें ना ज़्यादा बैट्समैन लेना चाहिए ना ज़्यादा बॉलर्स लेना चाहिए, एकदम एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बना लो, बस आप अच्छा अमाउंट जीतोगे। बट वो कॉम्बिनेशन आपको कैसे बनाना है, कौन सा बैट्समैन को पिक करें, कौन सा ऑलराउंडर को पिक करें, कौन सा बॉलर्स को पिक करें, सब कुछ मैं एक एक करके इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका टीम ऐसे ही बन जाएगा और जाके आप SL, GL, मिनी जेल हर एक कॉन्टेक्स्ट में जाकर तबाही मचा सकते हैं। तो बस वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो, ठीक है? हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 229 गया था, इसी को ध्यान में रखना। लोएस्ट स्कोर दोस्तों 31 है, मतलब यहाँ पर हाई स्कोरिंग भी बना था, ठीक है? अब हम चेक कर लेते हैं लास्ट 3 मैचेस की डाटा जो कि इसी महीने पर खेला गया था। इस वाला मैच की अगर हम दोस्तों स्कोर कार्ड देखें तो इसमें बना था 183, फिर सेकेंड इनिंग में दोस्तों 169, दूसरा मैच में 88 और मैच चेंज हो गया था 10 ओवर में, फिर दोस्तों 127, फिर दोस्तों ये भी मैच चेंज हो गया था। तो देखिए जब जब मैच चेंज होते दिख रहे हैं ना, तब दोस्तों 130 से नीचे स्कोर बना है, और जब भी चेंज नहीं हुआ 180 प्लस स्कोर किया। मतलब यहाँ पर 160-170 भी बन सकते हैं, नहीं तो 100 के नीचे भी ऑल आउट हो सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। चलो तो उसके लिए हम चेक करेंगे दोनों टीम्स की रिसेंट मैचेस की परफॉर्मेंस, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि कब कम स्कोर बनेगा कब ज्यादा स्कोर बनेगा। तो दोस्तों द विजन शिपिंग की अगर हम बात करें, इन्होंने लगातार 3 मैचेस विन करके आ रहे हैं। अगर हम इनका 3 मैचेस की डाटा देखें तो आप लोग देख सकते हो 88 में ऑल आउट हो गया था, ठीक है? फिर दोस्तों यहाँ पर 100 प्लस स्कोर बनाया था, फिर दोस्तों यहाँ पर 143 बनाया था, ठीक है? तो आप लोगों को पता चल गया कि इनका जो लिमिट है 150 तक है। अब दूसरा टीम का हम चेक करते हैं, जेट गेम्स के अगर हम बात करें, इन्होंने भी दोस्तों 3 में से 3 मैच जीता है। अगर इनका फास्ट गेम की बात करें तो 130 बनाया था, फिर दोस्तों 95 बनाया था, मतलब मैच को चेंज किया था, फिर दोस्तों 150 प्लस बनाया था। तो साफ साफ आप लोगों को पता चल गया कि अगर गेम्स की टीम अगर पहले बैटिंग करेगा तो 150 के ऊपर स्कोर जाएगा, और अगर द विजन की टीम अगर दोस्तों पहले बैटिंग करेगा तो हो सकता है कि 130-120 तक स्कोर बन पाए, ठीक है? इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या रहेगी दोनों टीम्स की प्रोबेबली प्लेइंग 11, साथ ही साथ हम चेक करेंगे हर एक खिलाड़ी की
ऑल ओवर T20 करियर की स्टेट, जैसे कि इन्होंने कितना मैचेस खेला है, कितना रन बनाया है, कितना विकेट लिया है। रिसेंट मैचेस के हम बैटिंग के डाटा देखेंगे एंड बॉलिंग की डाटा देखेंगे और इसी से आप लोगों को पता चलेगा कि आज इस खिलाड़ी को लेना है या ड्रॉप करना है। सबसे पहले द विजन की साइड से आप लोगों को मिल जाएगा मोहम्मद नाविद, जिन्होंने अपना करियर में 45 मैचेस खेल लिया, साथ में 20 का एवरेज में रन बनाया, 35 विकेट भी हैं इनके नाम पर, मतलब ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर है और ओपनिंग बैटिंग भी कर रहे हैं। रिसेंटली हर एक मैच में 20+ स्कोर बना रहे दोस्तों और हर एक मैच में लगातार विकेट निकाल रहे हैं। तो इस खिलाड़ी को हमें अपना टीम में लेना पड़ेगा, आप चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। फिर आपको मिल जाएगा सिराज खान, जिन्होंने अपना करियर में ओनली 5 मैचेस खेला है, 3 का एवरेज में रन बनाया दोस्तों, तो कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है, आप इस प्लेयर को ड्रॉप करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा आली आबिद, जिन्होंने अपना करियर में 105 मैचेस खेल लिया, 21 के एवरेज में रन बनाया, 39 दोस्तों इनके नाम पे विकेट है, मतलब ये एक पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक है। तो आप चाहो तो बैटिंग में इसको हमिल कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि इनको विकेट मिलेगा, तो मैं इसको दोस्तों ड्रॉप ही करना पसंद करूंगा। नासिर फराज की अगर हम बात करें, अपना करियर में 26 मैचेस खेला, 14 के एवरेज में दोस्तों रन बनाए इन्होंने और अभी तक ओनली 1 विकेट लिया, मतलब ये भी एक प्रॉपर बैट्समैन है, आप चाहो तो इनको एज ए बैट्समैन पिक कर सकते हैं। शायद आमिर शाह की अगर हम बात करें, 3 मैचेस में 3 विकेट लिया दोस्तों, लगातार हर एक मैच में इनको विकेट मिल रहे हैं, तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, आप इसको स्मॉल लीग में शामिल कर लीजिए। जैसान आबिद की अगर हम बात करें, 30 मैच में ओनली 8 का एवरेज में रन बनाया दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सीधा इसको आप लोग ड्रॉप कर दीजिए। फिर आपको मिल जाएगा एस अली, जिन्होंने 24 मैचेस में 33 विकेट लिया, रिसेंटली देखो तो 4 विकेट 3 विकेट ऐसा करके गुच्छे में विकेट निकाल रहे हैं, और जो भी प्लेयर गुच्छे में विकेट निकालते हैं ना दोस्तों, उसको आप लोग चाहो तो रिक्स लेके कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, और ऐसा खिलाड़ी को तो स्मॉल लीग में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो स्मॉल लीग में पिक कर लो, साथ ही साथ जीएल मिनी जीएल में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लो, ओके। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा फयाज अहमद, 5 मैचेस में 7 विकेट, ये भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको भी दोस्तों 2-4 करके गुच्छे में विकेट मिल रहे, तो ये भी इंपॉर्टेंट बॉलर साबित होने वाले हैं, और इसको भी आप लोग चाहो तो रिक्स लेके कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। फिर उमर की अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सीधा हम इसको ड्रॉप करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा साजद की अगर हम बात करें, तो 4 मैचेस में 5 विकेट दोस्तों, अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं दोस्तों, तो आप इनको भी टीम में शामिल करिए। मोहम्मद रोहित खान की अगर हम बात करें, 21 मैचेस में 20 विकेट लिया दोस्तों, ये भी लगातार 1-2 करके विकेट नहीं कर रहे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। आप दोस्तों हम बात करेंगे दूसरी टीम की, तो सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा आसन आहन फर्नांडेज, ठीक है, 15 मैचेस में 12 के बाजी में रन बनाया, हर एक मैच में 30+ रिसेंटली स्कोर बना चुकी है, तो आप लोग चाहो तो एज ए बैट्समैन इसको पिक कर सकते हैं। अब्दुल सालिम की अगर हम बात करें, 4 मैचेस में 23 का एवरेज है दोस्तों, 4 मैचेस की अगर हम बात करें, 2 मैचेस में 40+ है, 2 मैच में दोस्तों 12-15 रन है, तो इसको भी आप एज ए बैट्समैन शामिल कर लीजिए। बाबर आगा की अगर हम बात करें, 5 मैचेस में 39 के एवरेज में रन बनाया, साथ में 4 विकेट लिया दोस्तों, एक प्रॉपर ऑलराउंडर आप लोगों को मिल गया, इसको आप लोग स्मॉल लीग में 100% कन्फर्म कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग में तो अच्छा कर रहे, साथ में दोस्तों बॉलिंग करते भी विकेट मिल रहे, और मैं पहले ही बताया कि इनका टीम स्ट्रांग है दोस्तों, इसी टीम से हमें ज़्यादा प्लेयर्स को पिक करना चाहिए, तो बाबर आगा जो कि एक बेस्ट कैप्टन ऑप्शन बनने वाले हैं आपका स्मॉल लीग टीम की। फिर आपको मिल जाएगा सरदार, जिन्होंने अपना करियर में 5 मैचेस खेला, 21 के एवरेज में रन बनाया, ओनली 1 विकेट लिया दोस्तों, एवरेज पिक बनेगा, मैं इसको ड्रॉप ही करूंगा। नादिर हसन, 4 मैचेस में 16 के एवरेज, 5 विकेट लिया, 5 में से दोस्तों एक ही मैच में इसको 4 विकेट मिल गया था, ध्यान में रखना, ये भी गुच्छे में विकेट निकल सकती है, और साथ में ये दोस्तों बैटिंग से भी आपको 20-25 रन आराम से करके देगा, अगर बैटिंग सही से मैं अगर आ गया तो आप इसको पिक कर लीजिए। मोहम्मद आजाज की अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सीधा हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों ऐप अल्ताफ, जिन्होंने अपना करियर में 16 मैचेस में 14 विकेट लिया है, रिसेंटली दोस्तों 3 मैच की अगर हम बात करें, 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, एक एवरेज पिक बन जाएगा, जीएल वगैरह में ट्राई कर लेना। मुबेन अली की अगर हम बात करें, 7 मैचेस में 8 विकेट लिया दोस्तों, ये भी रिसेंटली 2 या 3 विकेट इनको भी मिला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक बनने वाले हैं, आपको अपना टीम में लेना है। मोहम्मद आजहर की अगर हम बात करें, 25 मैचेस खेल के 22 विकेट लिया दोस्तों, बहुत ही खतरनाक बॉलर साबित होने वाले हैं, जब भी इनको विकेट मिलता है 2-3 2-3 करके विकेट निकाल रहे दोस्तों, रिसेंटली 4 मैचेस में टोटल 3-2-5-6-7-8 विकेट ले लिया है, हर एक मैच में 2 का रेशियो में दोस्तों रिसेंटली 4 मैच में विकेट निकाल रहे हैं, तो रिसेंट फॉर्म इनके बहुत खतरनाक है, आप उसको देखते हो आप अपना टीम में शामिल कर लीजिए।
ए शर्मा की अगर हम बात करें, 8 मैचेस में 7 विकेट है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉलर साबित होने वाले, आप लोग को लेना पड़ेगा। दानिश कावरसी की अगर हम बात करें तो दोस्तों 36 मैचेस में 35 विकेट, यार इन्होंने तो और भी तबाही मचा कर रखा है, 5 विकेट 3 विकेट 3 विकेट। इस खिलाड़ी को आप चाहो तो स्मॉल लीग में रिक्स लेकर वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जीएल में तो भाई ऑब्वियसली इसको ही वाइस कैप्टन ट्राई करना। तो ये था दोस्तों इस मैच की फुल एनालिसिस, हर एक खिलाड़ी की डाटा, आई होप आप लोग को समझ में आ गया, और जिन्होंने डाटा दोस्तों सही से समझ लिया उसको टीम बनाने के लिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको टीम बनाने के लिए दिक्कत आ रहा है ना, तो मैं आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले आपको एक्टिव रहना पड़ेगा हमारा स्मार्ट फैंटेसी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और जल्दी से जाके हमारा स्मार्ट फैंटेसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर इस मैच के रिलेटेड सारा कुछ अपडेट आप लोगों को बैक टू बैक मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।